हेलो एवरीवन, हम आप लोगों के लिए ये ऑनलाइन क्लासरूम लेकर आए हैं और इसी के साथ अब अपने लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। और आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर मेथड ऑफ इमेजेस को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं एक बात बता दूं कि अगर आपको हमारे लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता हो, फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं से कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, कोई टर्म आपको समझ में नहीं आ रही है, आप किसी स्टेप को नहीं समझ पाए, तो आप करियर स्पेक्ट्रा के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। इस ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप ग्रुप के लिंक पे क्लिक करें और ग्रुप को ज्वाइन करके जो भी आपको डाउट होता है हमारे ऑनलाइन लेक्चर वीडियो से रिलेटेड, वो आप वहां पर क्लियर कर सकते हो। और कोई भी अगर असाइनमेंट हम भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे या कोई टेस्ट, उसका लिंक वो सभी इसी ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्लियर है? तो चलें स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, मेथड ऑफ इमेजेस। मेथड ऑफ इमेजेस आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को आप बहुत ही ध्यान से समझें। ओके? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मेथड ऑफ इमेजेस क्या है। ओके? देखें, द मेथड ऑफ इमेजेस इज वेरी पावरफुल टेक्निक फॉर सॉल्विंग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग चार्ज एंड कंडक्टर। ये आप नोट करोगे, क्या इन्वॉल्व करता है? चार्ज एंड कंडक्टर्स। इट इज बेस्ड ऑन यूनिकनेस थ्योरम। यूनिकनेस थ्योरम मींस गिवन सेट ऑफ बाउंड्री कंडीशन द सॉल्यूशन ऑफ पॉइजन इक्वेशन इज यूनिक। इलेक्ट्रोस्टेट की वो प्रॉब्लम जिसमें चार्ज और कंडक्टर्स इन्वॉल्व हो, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम एक विशेष टाइप की, एक स्पेशल टाइप की एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको कहा जाता है द मेथड ऑफ इमेजेस। अब इसमें कंडक्टर्स ही क्यों यूज होगा ये तो अभी हम समझेंगे, पर जो ये बेस्ड है यूनिकनेस थ्योरम के। अब जिन्होंने हमारा लेक्चर 2.1 नहीं देखा है वो पहले हमारे लेक्चर 2.1 को जरूर देख लें जो कि बेस्ड है यूनिकनेस थ्योरम के, क्योंकि जब आप यूनिकनेस थ्योरम को समझोगे तो आप यहां पे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि इसमें यूनिकनेस थ्योरम का यूज कैसे है, उसको यूज करते हुए हम एक टेक्निक कैसे डेवलप करेंगे। क्लियर है? तो जिन्होंने नहीं देखा वो पहले लेक्चर 2.1 देख लें, तब जाके इस लेक्चर को देखें। तो इसे समझने के लिए हम इसे बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये कोई एक पॉइंट चार्ज है और किसी आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, और इस पॉइंट चार्ज के द्वारा हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर आर कैप, और पोटेंशियल होगा क्यू अपॉन 4πε0 आर। इज इट क्लियर? इस पॉइंट चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पी पर जो आर डिस्टेंस पर है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और पोटेंशियल की वैल्यू ये होगी। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं कि जो ये चार्ज है इसके सामने ये कंडक्टर रख देते हैं जिसका वॉल्यूम टाउ है। अब मान लेते हैं कि इस चार्ज से ये डी डिस्टेंस पर रखा गया है, और अब आपसे पूछा जा रहा है कि अब आप बताएं कि जो ये पॉइंट है पी, अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं जब हमने इस चार्ज के सामने इस कंडक्टर को रख दिया, अब बताएं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल की वैल्यू यही होगी? तो आंसर है नहीं। बट रीजन क्या है? देखो, रीजन ये है कि जब कोई कंडक्टर किसी चार्ज या फील्ड के आसपास रखा जाता है तो उस पे एक चार्ज इंड्यूज होता है। कैसे होता है या उस चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस कंडक्टर के ऊपर वो कैसे होगा,
ये हमको नहीं पता होता, लेकिन हाँ इतना जरूर पता होता है कि ये कंडक्टर जो चार्ज का इस पे जो न्यू चार्ज होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होगा कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ इस टाइप से कंडक्टर करेगा सरफेस पर कि इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। क्लियर है? अब इस पॉइंट पर जो ये इंड्यूस चार्ज है ये भी रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ आइडिया नहीं है, वो हमको नहीं पता, और यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो जो इस टाइप की प्रॉब्लम होती है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, उनको सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक का हम यूज करते हैं जिसका नाम है द मेथड ऑफ इमेजेस। अब कंडक्टर ही क्यों, ये आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज चार्ज इंड्यूस होता किस पे, कंडक्टर पर। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे वो इंड्यूस होगा इसका हमें पता नहीं होता, और जब फील्ड निकालनी होती है तो वो इंड्यूस चार्ज भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अरे क्लियर है? तो इसलिए हम इस टाइप की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक यूज करते हैं जिसका नाम है द मेथड ऑफ इमेजेस। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि ये जो टेक्निक है मेथड ऑफ इमेजेस, इसको यूज कैसे करना है। तो इसको भी पहले बहुत ही बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं और कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एंड अ ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन। हम एक ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन ले लेते हैं, ये है जेड एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस है। इसे मैं यहां पे, ये ओरिजिन है, और ओरिजिन से डी डिस्टेंस पर, मींस जेड इज इक्वल टू डी डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज रखा गया है। कहां? जेड इज ग्रेटर देन जीरो रीजन में, ये जेड ग्रेटर देन जीरो रीजन है, मींस अबव द प्लेन। यहां पर एक पॉइंट चार्ज रखा गया है डी डिस्टेंस पर, और आपसे यहां पर मींस जेड इज ग्रेटर देन जीरो रीजन पर कोई पॉइंट पी दे रखा है, और यहां पर आपको पोटेंशियल की कैलकुलेशन करनी है कि इस पॉइंट पी पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। अब कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर आपको अगर यूनिकनेस थ्योरम का अगर नॉलेज है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जिन्होंने देखा नहीं है 2.1 वो जरूर देख लें, तो आप यहां पर ये समझ सकते हो कि जो ये प्लस क्यू चार्ज है ना, ये क्या होगा, इंड्यूज होगा यहां पर इस प्लेन पर। हालांकि यहां पे बाउंड्री कंडीशन क्या बनेगी, देखिए बाउंड्री कंडीशन समझे, एट जेड इज इक्वल टू जीरो वी इज इक्वल टू कितना होगा, जीरो, बिकॉज ये क्या है, ग्राउंडेड है। क्लियर है? जो ये चार्ज है ये इंड्यूज होगा कहां, इस प्लेन पर। अब कैसे इंड्यूज होगा या उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा इसका नहीं पता, और फिर भी पूछा गया कि इस पॉइंट पर आप क्या करें, पोटेंशियल की कैलकुलेशन करें। ओके, पोटेंशियल की कैलकुलेशन हो जाएगी तो फील्ड की भी कर लेंगे। क्लियर है ना? अब देखो, अब हम कोशिश करते हैं, आप पहले यहां पर यूनिकनेस थ्योरम को समझें। यूनिकनेस थ्योरम क्या है? यूनिकनेस थ्योरम कहता है कि द सॉल्यूशन ऑफ पॉइजंस और अ लाप्लास इक्वेशन दैट सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशंस, गिवन सेट ऑफ बाउंड्री कंडीशंस इज यूनिक। ओके, जो पॉइजंस इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन की का जो सॉल्यूशन होगा, और अगर वो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो समझ लें कि उस रीजन में जहां भी आप कैलकुलेट कर रहे हो वो पोटेंशियल यूनिक होगा, मींस कहीं पर भी वो पोटेंशियल की वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी। क्लियर है? और एक बात आपको हम और बता दें कि जो यूनिकनेस थ्योरम है ना, वो आपको एक लाइसेंस प्रोवाइड करता है कि अगर आप इन केस यहां पे देखें, यहां पे इस वाले रीजन में क्या होगा, देखो डेल स्क्वायर वी
इज इक्वल टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट. दिस इज पॉइजन्स इक्वेशन. बट जो इंड्यूज चार्ज इस पे हुआ है इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता, तो ये रो निकालना एक डिफिकल्ट टास्क है. हमें नहीं पता कैसे इंड्यूज हो रहा है और हमें नहीं पता कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. तो यूनिकनेस थ्योरम आपको यहां लाइसेंस प्रोवाइड करता है कि आप यहां पर पोटेंशियल निकालें किसी भी ढंग से. मींस मेथड क्या हो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप यहां पर आप पोटेंशियल निकालें. पर जो पोटेंशियल है अगर वो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो समझ लो कि वो यूनिक पोटेंशियल है. तो इस इमेजिनेशन को हम ध्यान में रखते हुए हम कोशिश करते हैं कि इस पॉइंट पर हम एक ऐसा पोटेंशियल निकालें कि जो इस बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले. इसके एक अनदर बाउंड्री कंडीशन भी है कि अगर फार डिस्टेंस पे लोगे आप तो पोटेंशियल टेंडिंग टू जीरो. हम बाद में क्वेश्चन में उसको प्रूफ करेंगे कि वो भी मतलब सेटिस्फाई होती है या नहीं, पर यहां पर हम अभी इस बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के कोशिश कर रहे हैं. अब देखें पहले क्या होगा. यहां पर आप मुझे एक बात बताएं, यहां पर हम पोटेंशियल की वैल्यू निकालते हैं उसके लिए कुछ कंसीडर कर लेते हैं. जैसे हम कोशिश करते हैं कि हम मानते हैं कि इसमें जो इंड्यूज हुआ चार्ज हमें नहीं पता कितना हुआ, लेकिन हम मान रहे हैं कि वो क्यू प्राइम हुआ है. अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता लगा कि वो नीचे जाएगा, वो अभी हम देखेंगे कि मुझे कैसे पता लगा या आपको अब कैसे पता लगेगा. अगर ये क्यू प्राइम है चार्ज, मैं मान रहा हूं कि जो इस पर इंड्यूज हुआ है वो क्यू प्राइम चार्ज है, और कहां बना रहा है वो डी प्राइम डिस्टेंस पर, इससे नीचे वो एक इमेज बना रहा है. क्लियर है? तो हम क्या करेंगे अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल की कैलकुलेशन कर लेते हैं. पोटेंशियल कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि हमारे पास ये डिस्टेंस है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट हमारे पास है कि क्या होगा. देखो ये होगा जीरो जीरो डी, और ये है एक्स वाई जेड, और यहां ये होगा जीरो जीरो, और ये हो जाएगा डी प्राइम. क्लियर? अब हम इस पॉइंट पर पोटेंशियल की कैलकुलेशन करते हैं. हमने क्या माना कि जो ये प्लेन है ना इस पे जितना इंड्यूस हो रहा है वो यहां मान लिया. प्लेन को हम अभी रिमूव कर रहे हैं. हम कह रहे हैं कि जो ये प्रॉब्लम है वो एक पॉइंट चार्ज यहां पर है अबव द प्लेन डी डिस्टेंस पर एंड बिलो द प्लेन डी प्राइम डिस्टेंस पर. हम इस प्लेन को यहां कंसिडर ही नहीं कर रहे और यहां पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं. और वो ऐसा हमने क्यों किया ये अभी हम फील्ड लाइन से समझेंगे, पर अभी हम पहले यहां पे प्रूफ कर लेते हैं. तो बीपी कितना होगा, पोटेंशियल एंड पी, वी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस वी ड्यू टू क्यू प्राइम चार्ज. इसमें प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, क्यू प्राइम चार्ज. ओके, तो यहां पर पोटेंशियल कितना है, वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट. चार्ज है Q, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहां से यहां, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 d, इसके x y z, तो यहां पे कितना होगा रूट x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z माइनस d का होल स्क्वायर. क्लियर? और जो नेक्स्ट होगा वो ड्यू टू दिस Q प्राइम, वो कितना होगा Q प्राइम रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस डी प्राइम का होल स्क्वायर. अब हम यहां पे बाउंड्री कंडीशन क्या होगी वो अप्लाई कर लेते हैं. एट जेड इज इक्वल टू जीरो पोटेंशियल भी क्या होगा जीरो. क्लियर है? अब आप जेड की वैल्यू जीरो रखें, वीपी को जीरो, तो क्या मिलेगा जीरो, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस क्यू प्राइम रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी प्राइम का होल स्क्वायर.
अब देखें, ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो जाएगी अगर हम क्या मान के चलें, इफ देखें q प्राइम की वैल्यू अगर आप माइनस q रख लें और जो d प्राइम है उसकी वैल्यू क्या रखें, माइनस d, मींस बिलो द प्लेन। ओके, तो यहां पर ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब सेटिस्फाई हो जाएगी कि q प्राइम की वैल्यू माइनस q रखोगे, d प्राइम की माइनस d, तो ये सेम, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो इसका जो कंक्लूजन है वो क्या निकला, वो ये निकला कि अगर यहां पर कोई पॉइंट चार्ज है जो कि अबव द प्लेन रखा गया, तो जितने डिस्टेंस पर वो पॉइंट चार्ज है उसकी इमेज उतने ही डिस्टेंस पर उसके जस्ट अपोजिट बना लो, और जो इसका मैग्नीट्यूड है उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो लेकिन अपोजिट इन साइन हो, मीन जो डी प्राइम है वो माइनस डी और जो क्यू प्राइम है वो क्या होगा, माइनस क्यू। तो जो यहां पर पोटेंशियल निकलेगा वो इस बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और अगर इस बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो मीन जो सोल्यूशन है वो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है। क्लियर है? तो यहां पर जो टेक्निक है, टेक्निक क्या कहती है, देखिए टेक्निक हमसे कहती है कि आप क्या करें, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है ना उसको रिमूव कर दें। ये जो डिस्टेंसेस है ये हमने प्रूफ कर लिया कि कभी भी अगर आपके पास कोई प्लेन और चार्ज, कोई कंडक्टिंग प्लेन हो और चार्ज हो, कुछ बाउंड्री कंडीशन, सेट ऑफ बाउंड्री कंडीशन गिवन हो, तो उसको सॉल्व करने का ये एक टेक्निक है कि जहां पर चार्ज रखा हो, ये जरूरी नहीं है कि प्लस क्यू यहां हो, प्लस क्यू जब यहां होगा तो उसकी इमेज वहीं बनेगी, लेकिन जिस डिस्टेंस पर चार्ज रखा गया होगा उसी के ऑपोजिट एक इमेज बनेगी, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा उसी मैग्नीट्यूड के, और जो इसका साइन होगा उसके ऑपोजिट साइन, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। क्लियर है? आप रख लें, और टेक्निक अब हम ये यहां पे डेवलप कर चुके हैं कि आप एक्चुअल प्रॉब्लम को भूल जाएं, और जब आप एक्चुअल प्रॉब्लम को भूल जाएं तो आपके पास जो ये प्रॉब्लम है ये क्या बची, ये बची लाइक टू पॉइंट चार्ज प्रॉब्लम्स, और आप अब कहीं पे भी जो पूछा गया हो, पोटेंशियल पूछा गया हो तो पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर जो टेक्निक है, टेक्निक हमसे क्या कहती है, आप देखें इसको, आप चाहो तो नोट कर ले, टेक्निक कहती है कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, फॉरगेट अबाउट द एक्चुअल प्रॉब्लम्स, नाउ इट इज द प्रॉब्लम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस, लाइक टू पॉइंट चार्जेस, और दो पॉइंट चार्जेस के द्वारा आपसे अगर कहीं पे पोटेंशियल पूछा जाता है तो वो आप बहुत ही आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? अब हम इसे फील्ड लाइन से समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? देखें, जैसे कि हमारे पास एक प्लेन था, ये कंडक्टिंग प्लेन, और जेड डिस्टेंस पर, सॉरी जेड इज इक्वल टू डी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट चार्ज रखा गया था प्लस क्यू। अब हम मींस हमने उसका इमेज यहां बनाया, वो कैसे बनाया ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए पहले हम इसको फील्ड लाइन से समझते हैं। देखें, जब ये प्लस क्यू है तो इसकी फील्ड लाइंस कैसे होंगे, देखो कुछ इस टाइप से फील्ड लाइंस होंगे। और यहां पर जो चार्ज इंड्यूस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर है? बट क्या अभी ये जो बाउंड्री कंडीशन है कि एट z इज इक्वल टू जीरो, v इज इक्वल टू जीरो, क्या ये सेटिस्फाइड हो रही है? नहीं। बट हम यहां एक अनदर चार्ज कंसिडर करते हैं, मींस जो ये चार्ज है इसकी एक इमेज कंसिडर करते हैं। जैसे मान ले हम ये अगर ओरिजिन है तो यहां पर इसी डिस्टेंस पर हम d डिस्टेंस पर ही, या अगर z एक्सिस है तो माइनस d डिस्टेंस पर
हम यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज, अब इस जो माइनस क्यू चार्ज जो यहां पे किया, इसकी जो फील्ड लाइंस होंगी वो कैसे होंगी? ये होंगी, और ये अपर सरफेस, ओके, और ये जो है अपर सरफेस पर, एक होगा अपर सरफेस, एक होगा लोअर सरफेस, वहां पे क्या चार्ज इंड्यूस करेगा? वो करेगा पॉजिटिव, बोले। तो ये कुछ इस टाइप से है, जरा इसको आप यहां समझें। ऐसा कोई प्लेन है, यहां पर इंड्यूस हुआ है नेगेटिव और यहां पर इंड्यूस हुआ है पॉजिटिव, तो क्या अब ये बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? तो बिल्कुल हो रही है। इसीलिए हमने जो हमारा इमेजिनेशन था वो ये था कि अगर प्लस क्यू चार्ज यहां है और उसकी इमेज उसी डिस्टेंस पर, हालांकि हमने वो प्रूफ किया, हमने डी प्राइम लिया, अगर उसी डिस्टेंस पर हम अगर उसका इमेज क्रिएट कर दें तो उसकी जो फील्ड लाइंस होंगी, उस फील्ड लाइन से हम समझ पा रहे थे कि यहां पर जो पोटेंशियल होगा इस प्लेन पर वो सेटिस्फाई हो जाएगा। इस वजह से हमने क्या किया, उसका इमेज यहां पे बनाया। तो जो हमारी इमेजिनेशन थी उसको लाइसेंस कौन दे रहा था? यूनिकनेस थ्योरम। क्योंकि जैसे ये पोटेंशियल, ये बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हमने उससे वहां पे पोटेंशियल निकाला और वो पोटेंशियल भी उस बाउंड्री पर सेटिस्फाई हुआ। तो इसका मतलब जो वो सोल्यूशन था वो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है और यूनिक सोल्यूशन है। क्लियर है? तो चलें इस पे बेस्ड आप कुछ एग्जांपल कर लेते हैं जो बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं। तो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं। आपके समझ में आ गया क्या है मेथड ऑफ इमेजेस और कैसे यूज करते हैं, मींस टेक्निक क्या है? लेकिन ध्यान रखें जो टेक्निक हम यूज कर रहे हैं वो कंडक्टिंग प्लेन और पॉइंट चार्ज के केस में है। ऐसा नहीं कि आपके पास स्फीयर आ गया, उसके सामने कोई पॉइंट चार्ज रखा डी डिस्टेंस पे, आपने कहा इसकी इमेज भी पीछे डी डिस्टेंस में बनेगी। लेकिन तरीका क्या है? तरीका ये है कि जो भी चार्ज आप जहां भी रखोगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो हमको नहीं पता होता, तो हम क्या करेंगे, हम एक सोल्यूशन इस टाइप से उस चार्ज को कहीं इंड्यूस करेंगे। मान के चलेंगे कि यहां पे लेट सपोज ये चार्ज इंड्यूस हो रहा है और जो बाउंड्री होगी उस पे जो पोटेंशियल होगा अगर उसको वो सेटिस्फाई करता है तो समझ लें कि वो उसका क्या है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन है और यूनिक सोल्यूशन है। और इसकी इजाजत हमें कौन देता है? यूनिकनेस थ्योरम। अरे क्लियर है? तो चले शुरू करते हैं प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस जेड इज इक्वल टू डी अबव द ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन, कैलकुलेट। देखें ये प्रॉब्लम आपको क्या दे दी गई, एक कंडक्टिंग ग्राउंड मींस एक कंडक्टिंग प्लेन है जो ग्राउंडेड है और एक पॉइंट चार्ज है, मींस ये प्रॉब्लम है अ पॉइंट चार्ज एंड अ ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन। अब उस पे आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो हमने 5 क्वेश्चन बनाए हैं आप लोगों के लिए, आप इन्हें एक एक करके बहुत ध्यान से समझें और कोशिश करें कि आप फिजिक्स को रिलेट कर पाए। क्लियर है ना? तो देखिए सबसे पहले आपसे पूछा गया पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी एक्स वाई जेड एंड एट क्यू एक्स वाई माइनस जेड। सबसे पहले पूछा गया कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड अबव द प्लेन, क्योंकि एक्स वाई जेड और एक्स वाई माइनस जेड में बिलो द प्लेन, आपको पोटेंशियल निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि इंड्यू चार्ज डेंसिटी ऑन द कंडक्टिंग प्लेन एंड टोटल इंड्यू चार्ज ऑन द प्लेन। जैसे कि टोटल इंड्यू चार्ज का तो आपको पता लग ही गया कितना है, पर खैर आपको प्रूफ भी करना होगा। इंड्यू चार्ज डेंसिटी ऑन द कंडक्टिंग प्लेन, जो इंड्यू चार्ज डेंसिटी है वो कैसे है वो भी आपको कैलकुलेट करना है। थर्ड आपसे पूछा जा सकता है फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज। फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज हम दोनों पे निकाल लेंगे, हालांकि पूछा गया है कि जो पॉइंट रखा गया प्लस क्यू पॉइंट चार्ज रखा गया उस पे फोर्स निकालना, लेकिन हम जो इमेज है उस पे भी फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हमको कैलकुलेट करना है।
नेक्स्ट, इफ चार्ज क्यू इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द रेस्ट, फाइंड इट्स स्पीड व्हेन चार्ज क्यू इज एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस अबव द प्लेन एंड द टोटल टाइम टेकन बाय द चार्ज क्यू टू हिट द प्लेन। कि अगर चार्ज अलाउड टू फॉल हो तो किसी पर्टिकुलर जेड पर उसकी स्पीड क्या होगी और कितने टाइम, मतलब कितना टाइम लगाएगा वो उस प्लेन को हिट करने में। क्लियर है? तो ये पांच क्वेश्चन आपके पास पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू अ पॉइंट चार्ज एंड अ ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन। तो एक एक करके इसे समझते हैं। तो सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके लिए हम एक ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन ले लेते हैं और ये जो है ये है z एक्सिस, ये y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस। ये जो रीजन है ये है z ग्रेटर देन जीरो और ये जो रीजन है ये है z लेस देन जीरो। और ओरिजिन से z इज इक्वल टू d डिस्टेंस पर ये पॉइंट चार्ज प्लस क्यू रखा गया और आपसे पूछा गया है, आपको दो पॉइंट गिवन है, एक यहां पर है P जिसके कोऑर्डिनेट हैं x y z मींस अबव द प्लेन, एक यहां पर है q जिसके कोऑर्डिनेट हैं x y एंड माइनस z मींस बिलो द प्लेन। और दोनों इस पॉइंट पर भी और इस पॉइंट पर भी आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इस पॉइंट पर हमने अभी कैलकुलेट किया, कर लेते हैं एक बार। कैसे सॉल्व करेंगे हम, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसे तो रिमूव कर देते हैं और हम जो ये जो पॉइंट चार्ज जिस डिस्टेंस पे है उसी डिस्टेंस पर हम इसकी इमेज क्रिएट करते हैं। तो माइनस डी हो जाएगा, चार्ज सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन माइनस क्यू, इसके कोऑर्डिनेट हैं जीरो जीरो डी और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जीरो जीरो माइनस डी। क्लियर है? और इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो हम, हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा जरा देखें, वीपी इज इक्वल्स टू v ड्यू टू प्लस q चार्ज एंड v ड्यू टू माइनस q चार्ज। ओके, यहां पर तो यहां पर हमको पोटेंशियल निकालना है तो क्या बनेगा बोलो, क्योंकि q मैग्नीट्यूड सेम है तो आप उसे कॉमन ले सकते हो, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो डिस्टेंस है ये बनेगा 1 ओवर रूट ऑफ, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट भी आपको पता है उसके कोऑर्डिनेट भी आपको पता है। तो कितना होगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस डी का होल स्क्वायर। क्लियर है? माइनस बिकॉज ये इसका जो साइन है वो नेगेटिव है तो ये बनेगा 1 ओवर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये है माइनस डी तो ये बनेगा जेड प्लस डी का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब आप ये जो पोटेंशियल है ये पोटेंशियल कहां है,
ये रिक्वायर्ड पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि आपने जो डिस्टेंस है वो क्या ले रखा है, उसकी जस्ट इमेज ले रखी है, जो इसका मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड है और माइनस साइन के साथ है, और यही टेक्निक कहती है। और उसके अकॉर्डिंग जो हमने यहां पोटेंशियल ले लिया तो ये पोटेंशियल ये है। लेकिन इसको थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं कि क्या ये पोटेंशियल बाउंड्री कंडीशन, अ सेट ऑफ बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। क्योंकि अगर ये करता है तभी जाके यूनिकनेस थ्योरम हमें लाइसेंस देता है कि हम अपनी इमेजिनेशन को इंप्लीमेंट करें और वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, रिक्वायर्ड पोटेंशियल होगा जो कि यूनिक होगा। तो यहां पर बाउंड्री कंडीशन हम देख लेते हैं। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है? फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है कि एट जेड इज इक्वल टू जीरो, इसे ध्यान से समझें, पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो, क्लियर। सेकेंड है इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मीन्स ये थ्री डायमेंशन में क्या आर स्क्वायर है ना, इज ग्रेटर ग्रेटर देन डी स्क्वायर, देन जो वी है पोटेंशियल है वो क्या टेंड, दैट इज टेंडिंग टू जीरो। बोलो किसको अप्रोच करेगा? जीरो को, क्योंकि आप हम जानते हैं कि फार डिस्टेंस पर अगर आप जैसे इंफिनिटी पर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। तो जो फार डिस्टेंस होगा तो कहां को टेंड करेगा, ये जीरो को। अब देख लेते हैं कि क्या ये बाउंड्री कंडीशन, ये पोटेंशियल जो है क्या इन बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो ये ठीक है, हालांकि हम टेक्निक लगा चुके हैं, हम देख चुके हैं, पर फिर भी क्योंकि ये पोटेंशियल पूछा गया तो इस पे भी हम एक बार अप्लाई कर लेते हैं। तो जरा देखें, जेड इज इक्वल टू जीरो, जैसे आप जेड जीरो रखोगे, यहां जीरो रखोगे तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पहला जो पहली बाउंड्री कंडीशन वो सेटिस्फाई हो रही है, चाहे आप रख लें। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन में क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज ग्रेटर ग्रेटर देन डी, तो डी क्या है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, तो इसको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जैसे आप यहां से इसको कैंसिल करोगे तो ये दोनों टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, ये जो पोटेंशियल है कहां टेंड करेगा, जीरो को। एक्चुअली एग्जैक्टली ये जीरो नहीं है, पर हाँ ये बहुत स्मॉल है इसलिए हम कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए जो वैल्यू होगी वो क्या करेगी, पोटेंशियल को, जो पोटेंशियल है वो कहां अप्रोच करेगा, जीरो की तरफ। तो ये जो दोनों बाउंड्री कंडीशन है, ये पोटेंशियल जो हमने सोल्यूशन निकाला द मेथड ऑफ इमेजेस से, वो जो सोल्यूशन है वो इन दोनों बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। यूनिकनेस थ्योरम कहता है कि ठीक है आपकी इमेजिनेशन बिल्कुल ठीक है अगर वो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। हमें इस कंडक्टिंग प्लेन और पॉइंट चार्ज में ये हमने कैसे सोचा कि इसका इमेज यहां बनाए, ऐसे भी तो सोच सकते हैं यहां बनाए, वो हमने एक्चुअली फील्ड लाइन से समझ लिया। क्योंकि अगर ये जेड इज इक्वल टू जीरो वी इज इक्वल टू जीरो, तो हमें दिखा कि हाँ अगर इसी डिस्टेंस पे तो फील्ड लाइंस क्या करेंगे, जो चार्ज इंड्यूस होगा ऊपर जो अपर सरफेस होगा उस पर नेगेटिव और जो लोअर सरफेस होगा पॉजिटिव, तो जो बाउंड्री कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। क्लियर है? तो चले अब हम इसे प्रूफ कर चुके हैं कि ये रिक्वायर्ड आंसर है और यूनिक है। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी उस पॉइंट पे, ये देखें अब ये कैलकुलेशन कब है, जब जेड ग्रेटर देन जीरो रीजन है, मींस अबव द प्लेन है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ग्रेडेंट ऑफ वीपी। अब आप इसका ग्रेडेंट निकाल लें, ग्रेडेंट आप बहुत ही आसानी से, मुझे उम्मीद है आप सभी इसका ग्रेडेंट निकाल सकते हो। आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, क्या होगा, डेल वीपी ओवर डेल एक्स आई कैप, डेल वीपी ओवर डेल वाई वाई कैप, डेल वीपी ओवर डेल जेड जेड कैप। ग्रेडेंट क्या शो करता है ये हम जब फैक्टर पढ़ेंगे तब उसको डिस्कस करेंगे, पर अभी आप इसका ग्रेडेंट जब निकालोगे थोड़ा सा आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करें, ग्रेडेंट इसका कैलकुलेट करें, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो ये मिलेगी, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा z माइनस d रूट, नहीं रूट नहीं होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z माइनस d का होल स्क्वायर की पावर 3/2।
ओके, और यहां होगा माइनस, और ये होगा जेड प्लस डी, एंड रूट, रूट नहीं होगा, ये भी होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस डी का होल स्क्वायर की पावर 3/2। क्योंकि देखें एक्स, जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये और ये कैंसिल आउट कर जाएंगे, वाई के रिस्पेक्ट में भी कैंसिल आउट कर जाएंगे, जेड के रिस्पेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ जेड माइनस डी है और यहाँ पे जेड प्लस डी है, तो आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस डी का होल स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आपका। और अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी, देखो जब ये कैंसिल आउट करेंगे एक्स वाई तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, ये होगी के कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, जेड एक्सिस की तरफ होगी। अरे क्लियर है, क्योंकि इस पे जो भी मींस जो कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो जेड एक्सिस में होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पॉइंट पी पर। तो अगर आपसे पूछा गया है पहला पार्ट कि जेड ग्रेटर देन जीरो रीजन पे, मींस अबव द प्लेन कोई पॉइंट है वहां पे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो ये दोनों वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, और बहुत आसान भी हो गया क्योंकि वो जो मेथड ऑफ इमेजेस है उसको हमने जब यूज किया तो ये दोनों वैल्यू कैलकुलेशन करने में हमें बहुत आसानी हो गई। और यही ब्यूटी है इस मेथड ऑफ इमेजेस की, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, मीन्स इसका जो प्ले है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं कि जो नीचे यहां पे बिलो द प्लेन है ये क्यू पॉइंट, इस पे देख लेते हैं कि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। इस पॉइंट पे कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या करोगे, यहां से ये ड्रॉ और ये ऐसे बोलो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है। ये इस पॉइंट पर ना जो z लेस देन जीरो है इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना EQ वो जीरो, और पोटेंशियल भी जो होगा ना वो जीरो। रीजन क्या है, देखें आपके पास ये कंडक्टिंग प्लेन है, यहां पर कोई चार्ज रखा गया है वो इंड्यूस होगा, तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा इस पे इंड्यूस होगा, मींस अपर सरफेस पर, और जो यहां पर है मींस जो लोअर सरफेस है उस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। अरे होगा, देखो ऐसे समझो, यहां पे ये नेगेटिव, यहां पे ये पॉजिटिव, और इसको आपने क्या कर दिया ग्राउंड, तो ये जो ग्राउंड अगर हो गया तो चार्ज कहां फ्लो होगा सारा का सारा यहां, तो ये कैसे बिहेव करेगा, ये एज अ अर्थ है बोलो, तो और इसके अंदर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी जीरो, और पोटेंशियल क्योंकि क्यू पोटेंशियल होगा तो वी भी क्या होगा जीरो, क्योंकि यहां पर क्या है एट जेड इज इक्वल टू जीरो वी कितना है जीरो, तो पोटेंशियल भी कितना होगा जीरो। अच्छा चलो इसे एक अनदर वे में समझाने की कोशिश करते हैं, इससे पता भी लग जाएगा कि आपका यूनिकनेस थ्योरम आपको कितना समझ में आया। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखें इस रीजन में, इस रीजन में कोई चार्ज है क्या, नहीं, आप ध्यान रखें कि जो ये चार्ज है ये यहां है नहीं, एक्चुअल नहीं है, ये हमने एक टेक्निक डेवलप की है ताकि हमारा जो वहां पोटेंशियल है वो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और बाउंड्री कंडीशन को जैसे वो सेटिस्फाई करेगा तो वही रिक्वायर्ड है, लेकिन ये चार्ज है कहां, दरअसल है तो इस पे प्लेन पे,
यहां तो है नहीं। तो जो इस रीजन में है ना जेड लेस देन जीरो, इसमें क्या होगा देखो, डेल स्क्वायर वी, ये चार्ज फ्री रीजन है, क्या होगा जीरो। मिस ये रीजन जो है इसमें क्या होगा, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, और अगर इसमें लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो बाउंड्री पर जो है पोटेंशियल स्पेसिफाइड है। इसकी जो बाउंड्री है, अगर एक ये बाउंड्री है और एक इसका इंफिनिटी पे जीरो होगा, तो इसकी दोनों बाउंड्री पर, मतलब दो बाउंड्री कंडीशंस हैं और दोनों पे पोटेंशियल स्पेसिफाइड है। और अगर बाउंड्री पर पोटेंशियल स्पेसिफाइड हो और किसी रीजन में लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हो, तो उस रीजन के अंदर क्या होगा, जो पोटेंशियल होगा वो यूनिक होगा, जो सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन होगा मीन जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो यूनिक होगी। क्यों? क्योंकि देखें आप दोस्त, उसमें अगर आप लोगों ने देखा होगा यूनिकनेस थ्योरम, तो वहां पे अगर आप दो वैल्यू ले भी लो जो आर पे डिपेंड करता हो, अलग अलग वेरी करता हो, तो वो दोनों भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूं यहां पे दो कोई पोटेंशियल है, एक मान लेता हूं बी वन आर और बी टू आर, तो मान लेते हैं कि बी थ्री को जो मैं ऐसे लिख देता हूं बी टू माइनस बी वन, तो जो डेल स्क्वायर वी थ्री वो क्या होगा, डेल स्क्वायर वी टू माइनस डेल स्क्वायर वी वन। अब क्योंकि वो जो दोनों पोटेंशियल मैंने यहां लिए हैं वो भी चार्ज फ्री रीजन में है, तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो ये क्या हो जाएगा जीरो। इसका मतलब डेल स्क्वायर वी थ्री जीरो, और जब इस रीजन में डेल स्क्वायर वी थ्री जीरो है, और वी थ्री कहां है, यहां है, तो इसका जो मैक्सिमम मिनिमम वो कहां होगा, वो अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि v3 आपने क्या माना, डेल स्क्वायर v3 जीरो होने का मतलब ये होता है कि जो v3 होगा एट अ सरफेस वो भी जीरो होगा, और जैसे v3 जीरो होगा तो आप v3 को क्या लिखो, v2 माइनस v1, तो ये जीरो होगा, और अगर ये जीरो होगा तो यहां पे देखें v2 इज इक्वल टू v1 हो जाएगा, मींस जो पोटेंशियल है वो यूनिक होगा। अरे क्लियर है, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम अगर पोटेंशियल जीरो है एट अ सरफेस, क्लियर, तो हमने देखा कि जो v3 है वो भी जीरो होगा सरफेस पर, और अगर वो जीरो होगा सरफेस पर तो भाई मिनिमम मैक्सिमम तो हो नहीं सकता अंदर, तो कहां होगा, सरफेस पे होगा, और वो जीरो है, उसका जीरो होने का मतलब वो इंटायर उसमें भी क्या हो जाएगा, जीरो। ये आपको तभी समझ में आ रहा होगा जब आप यूनिकनेस थ्योरम को बहुत अच्छे से समझोगे, तो आप एक बार उसको समझ लें तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज करें, मैं फिर से इसको समझा दूंगा, ठीक है ना। तो यहां पर आप चाहो तो लाप्लास इक्वेशन मतलब यूनिकनेस थ्योरम का यूज करके भी आप कह सकते हो कि अगर पोटेंशियल, अगर आपने पोटेंशियल यहाँ कैलकुलेट करना है तो जो सरफेस है तो इंटायर रीजन में भी वी जीरो होगा, वी जीरो यहाँ पे वी जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो खैर ग्राउंडेड है ये अर्थ है, तो अगर यहाँ पे जीरो है पोटेंशियल तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, जीरो। अरे ठीक है, तो इस टाइप से आप इस रीजन में फील्ड और पोटेंशियल की कैलकुलेशन कर सकते हो, क्लियर है। तो चले इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है इंड्यूस चार्ज डेंसिटी, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी वो कितना होगा, ये जेड एक्सिस, ये है चार्ज, जेड इज इक्वल्स टू डी डिस्टेंस पर, और ये ओरिजिन है, ये आपके पास y एक्सिस और ये है x एक्सिस, तो इसका मतलब जो ये प्लेन है ये है xy प्लेन।
अगर आप देखोगे यहाँ पे तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे हो रहा होगा, वो कुछ इस टाइप से हो रहा होगा। मीन्स ऐसे हम एक इसमें सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि जो फील्ड लाइन है वो इस टाइप से है, तो नीचे जो होगा वो क्या होगा, एक सर्कल की तरफ होगा, है ना। तो यहां पर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको कैलकुलेट करना है, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ओके। और इसको अगर हम आर वेक्टर कह दें, क्योंकि ये जो एक्स वाई प्लेन में होगा वेक्टर आर वेक्टर, तो ये सिग्मा आर होगा, है ना, क्लियर है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें बाउंड्री कंडीशन का पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टेट में बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, देखें कि जब किसी प्लेन से कोई फील्ड जब पास होगी तो वो एक डिस्कंटिन्यूटी को शो करता है, और वो डिस्कंटिन्यूटी देखें क्या होगा, वो सफर करेगा एक डिस्कंटिन्यूटी, तो ई परपेंडिकुलर अबव माइनस ई परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल्स टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब ये दो रीजन थे, एक z ग्रेटर देन 0, एक z लेस देन 0, है ना, ये दो रीजन थे, z ग्रेटर देन 0 एंड z लेस देन 0। अब इस रीजन में जो यहां पे रीजन है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अभी कैलकुलेट की, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, देखें e एट p, जो पॉइंट हमने p लिया था, तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, आपको याद होगा e 4 पाई एप्सिलॉन नॉट z माइनस d x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, z माइनस d का होल स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस z प्लस d x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z प्लस d का होल स्क्वायर की पावर 3/2। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड था अबव द प्लेन, एंड बिलो द प्लेन कितना था, 0। तो आप देखें ये क्या हो जाएगा, 0, और ये क्या है अबव द प्लेन, वो ये है। तो आपके पास जो सिग्मा है वो क्या बनेगा बोलो, वो बनेगा E परपेंडिकुलर अबव एंड मल्टीप्लाई करें तो एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा कहां पे, आप देखें ये कहां पे होगा, आप क्योंकि आप कहां निकाल रहे हो, इंड्यूस्ड ऑन द क्या, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी आपको निकालनी है, पर कहां पर, सरफेस पर। तो आपको यहां पे क्या लिखना होगा, ये होगा एट जेड इज इक्वल टू 0, और ये भी होगा एट जेड इज इक्वल टू 0। तो यहां पर भी आप क्या करोगे, एट जेड इज इक्वल टू 0। अब z की वैल्यू 0 रख लें, क्या मिलेगा आपको, देखें जैसे आप यहां 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा माइनस, ये 0 तो ये माइनस रहेगा, ये 0 रहेगा तो d स्क्वायर, ये भी d स्क्वायर है सच, तो ये तो कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास बनेगा यहां पे चार्ज भी होगा ना q, ये होगा q एप्सिलॉन नॉट, और ये बनेगा माइनस 2d, क्योंकि ये 2d हो जाएगा, और यहां पर जब आप इसको ऐड करोगे तो ये बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, ये ट्वाइस से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, तो आपको जो वैल्यू मिल रही है वो मिलेगी माइनस क्यू डी अपॉन 2π एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2।
क्लियर है। तो जो ये आपके पास यहां इंड्यू चार्ज डेंसिटी आई ऑन द सरफेस सिग्मा आर, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आर है। अरे बोलो, क्योंकि यहां पे आर वेक्टर क्या होगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप। तो आप देखें ये जो वेरी कर रहा है ये आर और डी के साथ, कि जिस डिस्टेंस पे रखा गया उस पर भी डिपेंड करता है, और जैसे जैसे आप मींस बाहर की तरफ जाओगे वैसे वैसे भी इसका वेरिएशन है। तो जो ये सिग्मा आर है वो देखे, ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, मींस डिपेंडेंसी है इसकी या ये कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जो इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, वो नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, टोटल इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द सरफेस वो कैलकुलेट कर लेते हैं, वो आप लोगों को कैलकुलेट करना है। उसकी मैं आपको हिंट दे देता हूं, देखें कितना चार्ज इंड्यूस होगा टोटल, वो जाएगा क्यू इंड्यूस इज इक्वल्स टू क्या होगा, सिग्मा डीएस। क्लियर है, सिग्मा की वैल्यू आपको पता है, डीएस आप लोगों सरफेस का ले सकते हो। अरे ठीक है, तो आप क्या करें, ज्यादा बेहतर होगा मैं आपको एक हिंट दे दूं कि जो भी ये यहां पर जो पैरामीटर्स हैं, जो भी आएगा, क्योंकि यहां आएगा एक्स वाई जेड, यहां पे भी अगर आप डीएस को लेके चलोगे तो वो भी डीएक्स डीवाई है ना। चलो मैं वैल्यू रख लेता हूं, ये आएगा माइनस क्यू डी, और इसकी जो वैल्यू है वो है टू पाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा डी स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, और डीएस क्या हो जाएगा, डीएक्स डीवाई। तो आप क्या करें, क्योंकि आप देखें आप इसे ट्राई करें, अगर नहीं होगा तो आप मुझे ग्रुप में बताएं तो मैं इसको नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपका उसमें करवा दूंगा, ठीक है ना। पर पहले आप ट्राई करें प्लीज खुद से। तो यहां पर ये जो वेक्टर है आर वेक्टर है, तो जो आर वेक्टर होगा वो होगा क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और अगर मैं यहां पे डीएस की वैल्यू करूं तो डीएस हो जाएगा डीएक्स डीवाई, है ना। पर अगर मैं इसे देखें ये क्या हो जाएगा, फिर आर स्क्वायर यहां पे है, आर स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डीएस आर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आर डी आर डी फाई। आप क्या करें, इसे कन्वर्ट कर लें किसमें, इसे आप स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर लें, और जो लिमिट है जब आप कन्वर्ट कर लोगे तो लिमिट ले लें कहां से, जीरो से कहां तक है, इंफिनिटी तक। ओके, और ये आप कन्वर्ट कर लें और इसको सॉल्व कर लें, कितना आएगा क्यू इंड्यूज, आंसर आपको पता है कितना इंड्यूज हुआ है वैसे। अरे वो हमने एक मेथड जो हम लोगों ने डेवलप किया है तो वो हम कर चुके हैं, तभी तो हम इमेज पे कितना चार्ज बना है, माइनस क्यू ना। तो टोटल कितना होगा इंड्यूज, वो माइनस क्यू होगा, यही आपका आंसर आना चाहिए। इसे आप अपने आप ट्राई करें, नहीं होता है तो आप मुझे लिखे मैं करवाऊंगा। क्लियर है, हिंट मैंने दे दी, आई होप कि आप लोगों से ये हो जाएगा। आप थोड़ा सा ना खुद ट्राई करें, क्या करें, अपनी प्रैक्टिस करें। क्लियर है, नहीं होता तो आप पूछें, फिर ट्राई करें, नहीं होता फिर पूछें, कोई डाउट नहीं है। आपको जब भी डाउट होता है तो आप ग्रुप में हमसे पूछ सकते हो। तो चले अब नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट था जो थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज। ये कंडक्टिंग प्लेन है, ये जेड इज इक्वल्स टू डी डिस्टेंस पर प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, और इस पर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। ओके, इस पर जेड एक्सिस, तो क्या करेंगे, माइनस डी डिस्टेंस पर माइनस क्यू चार्ज ले लेते हैं। अब जो फोर्स है वो क्या होगा, क्योंकि एक्चुअल प्रॉब्लम तो हमें
हटा देनी है। ये डिस्टेंस डी है, ये भी डी है, तो ये यहाँ पे एक फोर्स, ठीक है ना, तो कितना फोर्स लगेगा देखें, एफ ऑन प्लस क्यू चार्ज वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, फिर क्यू वन क्यू टू वो बनेगा क्यू स्क्वायर, एंड डिस्टेंस कितना है 2D का होल स्क्वायर, डायरेक्शन माइनस जेड कैप, ये होगा क्यू स्क्वायर 16 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर एंड डायरेक्शन माइनस जेड कैप। किस तरफ लगेगा ये फोर्स, ये फोर्स लग रहा है प्लेन की तरफ। तो अब यहां पे क्या कहेंगे, देखो हम कहेंगे कि दिस चार्ज इज अट्रैक्टेड बाय माइनस क्यू चार्ज, नहीं ये गलत है, ये जो यहां पर है ना ये मींस प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली जो इसको जो अट्रैक्ट कर रहा है ना वो ये प्लेन कर रहा है। अरे समझ में आ रहा है, आप लिख सकते हो चार्ज अट्रैक्टेड बाय द प्लेन नॉट बाय द इमेज चार्ज। अरे ठीक है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसको जो अट्रैक्ट कर रहा है ये प्लेन कर रहा है ना कि ये, क्योंकि ये तो इमेज है ना, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, वो तो हम सॉल्व करने के लिए उसे ले लेते हैं, तो जो फोर्स है वो इतना है। अच्छा यहाँ पर इस पर कितना फोर्स होगा देखें, फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, एफ इज इक्वल टू क्या होता है क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन में कितना है जीरो, जब चार्ज ही नहीं है तो फोर्स किस पे लगेगा, यहां चार्ज ही नहीं है तो फोर्स किस पे लगेगा, ठीक है, देयर इज नो फोर्स, नो चार्ज नो फोर्स, तो ये है फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज। अब इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, पार्ट फोर्थ, फोर्थ पार्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, जरा इसे ध्यान से समझें आप, क्योंकि यहां पर जो आप सोचोगे वो हो सकता है कि आपका आंसर गलत ले आए। जरा देखें फिर से, वही बार बार मैं वही फिगर बना रहा हूं, तो हर बार हर चीज नहीं उसमें मैं डिफाइन कर रहा हूं, बिकॉज हम जानते हैं ये, तो हम सिर्फ समझने के लिए बार बार इसको बना दे रहे हैं। अब यहां पर देखें, ये आपके पास जेड एक्सिस है और ये जेड इजी क्वेश्चन टू डी डिस्टेंस पर कोई चार्ज प्लस क्यू कोई पॉइंट चार्ज है, और पोटेंशियल एनर्जी, अब जैसे कि हम जानते हैं कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको मैं बना देता हूं क्योंकि ये कैसे ट्रीट होगा वो मैं अलग से, क्योंकि आपको कुछ समझाना यहां पे चाह रहा हूं, इस वजह से मैं इसे ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, ये होगा प्लस क्यू चार्ज डी डिस्टेंस पर और ये होगा माइनस क्यू चार्ज डी डिस्टेंस पर। अब आपके दिमाग में क्या है, आप ये सोच रहे हो कि इसका जो जो टेक्निक है सॉल्व करने का, द मेथड ऑफ इमेजेस, वो ऐसा है कि हम इस प्रॉब्लम को तो भूल जाएं और यहां पर जो इस प्रॉब्लम को है उसे कंसिडर करें लाइक अ टू पॉइंट चार्ज प्रॉब्लम, है ना। बट यहां पे गलती आपसे हो सकती है कि जब आप यहां पर पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे इस सिस्टम की, तो आप यहां पे आ जाओगे, जब आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे कैसे निकलेगा, टू पॉइंट चार्जेस की पोटेंशियल, ये कोई एक सिस्टम क्रिएट हुआ होगा ना, दोनों पॉइंट चार्ज ऐसे तो आए नहीं होंगे। अरे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हो ऐसे पॉइंट चार्जेस की, जरा देखें, तो यहां पे क्या होगा, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी में वर्क डन निकाल देता हूं, क्योंकि किसी पॉइंट चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क डन है वही स्टोर होता है किस टर्म में,
एनर्जी के टर्म में, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में। तो पहले वो निकाल देते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिएगा कि जो W1 है, मान लो ये माइनस चार्ज है, क्योंकि हम तो ये नहीं मान रहे कि इमेजिनरी है ना। अगर हम इसको कंसिडर करके चलते हैं, मतलब आपसे क्या गलती हो सकती है वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर जो ये चार्ज है, मैं मान रहा हूं ये चार्ज यहां पर लाया गया इन्फिनिटी से। जब आप इन्फिनिटी से लाओगे तो आप वर्क किसके अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अनदर कोई चार्ज अभी है नहीं। अरे क्लियर हो रही है बात? तो इसको लाने में, मान लो इन्फिनिटी से यहां तक लाया, ये चार्ज है नहीं, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कोई पोटेंशियल, किसी का पोटेंशियल तो चाहिए, किसी के अगेंस्ट तो वर्क करेगा। और इन्फिनिटी से अब अनदर चार्ज इसको ले आते हैं, तो हाँ अब आपको यहां पे कुछ वर्क डन मिलेगा, क्योंकि जब आप लाओगे तो इसका पोटेंशियल होगा यहां पे, तो चार्ज होगा ये क्यू प्लस क्यू, और पोटेंशियल होगा इसका वी, किसका? माइनस क्यू का। बोलो तो कितना होगा ये क्यू? ये हो जाएगा माइनस क्यू, और ये हो जाएगा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है 2D, क्योंकि इसके पोटेंशियल के अगेंस्ट, मतलब इसके जो, इसका जो पोटेंशियल होगा उसके अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा ना। तो ये कितना है आपके पास? ये होगा माइनस क्यू स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, और आप कहोगे कि यही हमारा आंसर है, जो कि गलत है। जरा सोचे क्यों, कोशिश करें। देखो वो इसलिए है कि जो ये चार्ज है ना यहां पे, ये इमेज चार्ज है, समझ में आ रही है ना बात? तो जब आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे ना सिस्टम की, तो आप इंफिनिटी से जो पॉइंट चार्ज लेके आओगे वो डी डिस्टेंस तक ही लेके आओगे, और जो वर्क होगा ना वो आप इस जो प्लेन है ना इसके पोटेंशियल के अगेंस्ट करोगे, क्योंकि ये चार्ज तो है ही नहीं दरअसल, एक्चुअल में ये है नहीं। अरे क्लियर हो रही है बात? तो यहां पर अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आप एक चीज कह सकते हो कि भैया हमने जो ये वाला है ना यहां पे, ये एक्स्ट्रा ले लिया है, तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे कि सिस्टम है वो इन्फिनिटी से यहां तक लाने में कितना वर्क डन, तो हम कहेंगे कि ऐसा करते हैं कि इसको हाफ कर देते हैं, क्यू स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, और यही आपके पास, क्योंकि जो टोटल वर्क होगा वो भी W1 प्लस W2 हो जाएगा फिर, क्योंकि W2 ही तो है, W1 तो जीरो, और यही आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी के टर्म में स्टोर हो जाएगा, और ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। हालांकि ऐसा करना ये कंसेप्चुअल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप ऐसे प्रूफ कर लेते हो, ऐसे सॉल्व कर लेते हो, और फिर आप कहते हो कि नहीं हमारा आंसर नहीं मैच कर रहा, तो ये गलती इसमें आप कर रहे हो। हालांकि ऐसा आप इसे सॉल्व करोगे नहीं, कई बुक्स कर भी देती हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है, बिकॉज ये जब जहां पे इमेज चार्ज नहीं है आप उसको भी कंसिडर कर रहे हो, बाद में आप उसको जस्ट हाफ कर दे रहे हो, बिकॉज वो क्या हो रहा है कि ऊपर का डिस्टेंस और नीचे का डिस्टेंस सेम है, तो उस वजह से आप आंसर आपका मिल जा रहा है, लेकिन जो फिजिक्स कंसेप्ट आपको इलेक्ट्रोस्टेट में जो अप्लाई करना है उसके हिसाब से आप ऐसा नहीं करोगे। कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूं, पर अगर आप ऐसा करते हो तो आप क्या करोगे, फिर हाफ से उसको मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है ना, पॉइंट चार्ज और जो प्रॉब्लम होती है रिलेटेड टू कंडक्टिंग प्लेन, उनमें आप आराम से पॉइंट चार्ज एंड कंडक्टिंग प्लेन में आप कर सकते हैं। तो सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो इन्फिनिटी से आपको डी डिस्टेंस तक लाना है इस पॉइंट चार्ज को, और किसके अगेंस्ट, ये जो इंड्यूस चार्ज यहां हुआ है ना, ये चार्ज नहीं कंसीडर करके चलोगे, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे जरा देखें। जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होता है
माइनस एफ डॉट डीएल। अब यहां पर जो डीएल वेक्टर है वो क्या होगा, फोर्स, पहले फोर्स को लिख लेते हैं। फोर्स क्या है, फोर्स है क्यू स्क्वायर 16 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब डी क्योंकि आपने लिमिट ले रखी तो आप इसे लिखे जेड स्क्वायर माइनस, तो माइनस जेड क्या है तो प्लस कर दे, और ये क्योंकि जेड कैप डॉट डीएल क्या होगा, डीएल वेक्टर क्या होगा, डीएक्स डीवाई डीजेड, मींस डीएक्स आई कैप डीवाई जे कैप एंड डीजेड के कैप, और इसे भी आप के कैप कह सकते हो, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट होगा, लिमिट क्या होगी, देखो इन्फिनिटी से आपको किस डिस्टेंस तक लाना है, डी डिस्टेंस तक, ठीक है ना। तो ये जो इसमें कांस्टेंट है उसे आप कॉमन ले लें, क्यू स्क्वायर 16 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बनेगा इन्फिनिटी टू डी डी जेड ओवर जेड स्क्वायर, क्लियर है। अब आप इसको क्या करें, इंटीग्रेट कर लें, तो क्या मिलेगा आपको, क्यू स्क्वायर 16 पाई एप्सिलॉन नॉट डी नेगेटिव। तो इतना पोटेंशियल एनर्जी है इस सिस्टम की, अरे क्लियर है, इतना वर्क डन करना पड़ेगा जो कि स्टोर होगा, कि नेगेटिव साइन है, इतना स्टोर होगा इस सिस्टम में, ठीक है ना। तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर। तो अब नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पॉइंट है स्पीड ऑफ चार्ज एट अ पॉइंट जेड इज ग्रेटर देन जीरो एंड टाइम टेकन बाय द चार्ज टू हिट द प्लेन। ओके, तो ये है कंडक्टिंग प्लेन जो ग्राउंडेड है, और ये है जेड एक्सिस, और यहां से जो डी डिस्टेंस है जेड इज इक्वल्स टू डी पर, ये जो चार्ज है प्लस क्यू ये रखा गया और इसका मास स्मॉल m, ठीक है। और क्योंकि यहां से ये स्टार्ट होता है फॉलो ना, तो यहां पे जो इसकी स्पीड है एट जेड इज इक्वल टू डी, स्पीड इज व्हाट, जीरो। ओके, और किसी डिस्टेंस z पर, ये एनी डिस्टेंस z है, यहां पर जो स्पीड है वो ले लेते हैं v, जो हमें कैलकुलेट करना। ओके, तो यहां पर इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, है ना, और एक यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स का इसमें जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो नेगलेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज इट्स मैग्नीट्यूड इज अ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां पर जो एफ होगा, इसे आप ध्यान से समझें, ठीक है ना, वो होगा एम ए, और फोर्स इस पे क्या लग रहा है, वो लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, क्यू स्क्वायर 16 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप यहां रखोगे जेड स्क्वायर बिकॉज ये वेरी कर रहा है जेड के साथ, तो जेड स्क्वायर एम ए, ये क्या होगा, ये होगा डीवी ओवर
डी टी, क्योंकि टाइम के साथ क्या है चेंज हो रही है, तो डीवी ओवर डी टी जो स्पीड होगी वो चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो डीवी ओवर डी टी। अब क्या करें, देखो v से यहां भी मल्टीप्लाई कर दें और यहां भी, दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर लें, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं q स्क्वायर 16 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये होगा dz ओवर dt। क्लियर है? और यहां पर ये रहेगा mv dv ओवर dt। इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो q स्क्वायर ये माइनस होगा, तो ये होगा q स्क्वायर 16 पाई एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर, और यहां से हम z स्क्वायर को हटा दें और यहां पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखें d ओवर dt, ध्यान दें ये लिख सकते हैं 1 बाय z, और जो माइनस है उसे हम प्लस लिख लेते हैं, तो ये यही टर्म बन जाएगी, देख लो, क्योंकि जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या बनेगा माइनस वन बाई जेड स्क्वायर, तो आपको यही मिल जाएगा और साथ में बनेगा डी जेड ओवर डी टी। तो यहां पर इसको भी कैसे लिख सकते हैं, देखें एम इसको लिख सकते हैं डी ओवर डी टी हाफ वी स्क्वायर, इसको जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये भी बनेगा ट्वाइस वी डीवी ओवर डी टी, तो ट्वाइस से ट्वाइस कैंसिल आउट, तो आपको ये मिल जाएगा एम वी डीवी ओवर डी टी। क्लियर है? अब क्या करें, इंटीग्रेट कर लें दोनों साइड, तो इसको मैं इधर लिख लेता हूं, इसको इधर इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो एम ये बनेगा वी स्क्वायर बाय टू। क्लियर? और यहां पे आपको मिलेगा q स्क्वायर 16 पाई एप्सिलॉन नॉट z प्लस c, जहां पे c क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है? अब यहां पर ये बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई कर देते हैं, क्या एट z इज इक्वल टू जीरो जो स्पीड है वो क्या है जीरो, क्योंकि यहां से स्टार्ट हो रहा है फॉल होना, तो जैसे आप v को जीरो रखोगे तो यहां से z की वैल्यू सॉरी z इज इक्वल टू d, z की वैल्यू d, तो c की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, c मिल जाएगा माइनस q स्क्वायर 16 पाई एप्सिलॉन नॉट d, और वो वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख देंगे, जो c की वैल्यू है वो हम यहां रख देंगे, तो हमें मिलेगा एम वी स्क्वायर बाई टू, और क्योंकि q स्क्वायर 16 पाई एप्सिलॉन नॉट यहां भी कॉमन आएगा और यहां पर भी, तो ये आ जाएगा q स्क्वायर 16 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बनेगा 1 बाय z माइनस 1 बाय d। क्लियर है? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, देखें ये सिक्सटीन ट्वाइस से कैंसिल आउट करें तो आपको यहां पर मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड मास m 1 by z minus 1 by d, okay? So v is equals to root of q square 8 pi epsilon naught m 1 by z upon 1 by d। Clear है? ये जो value है ये constant है, तो क्योंकि q square आपके पास क्या है
चार्ज है और है मास है 8 pi epsilon naught, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे प्लस माइनस होगा। लेकिन जो स्पीड है, स्पीड क्या होती है, कांट बी नेगेटिव, तो यहां पर आप सिर्फ प्लस साइन रखोगे, ठीक है ना। अरे समझ में आई बात। तो यहां पर इस कांस्टेंट की वैल्यू अगर मैं यहां ए रख दूं तो ये प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगा 1/z-1/d, ठीक है। जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/z-1/d। तो ये जो वैल्यू है स्पीड की, ये आपको ध्यान रखनी होगी। आप इसे याद कर लें या आपको मैंने प्रूफ करवा दिया, इसमें जो स्टेप है उस हिसाब से आप प्रूफ भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब जब आप इस रिजल्ट को, मान लीजिएगा आप इसे याद कर रहे हो, इन केस तो आप इसको ना अधूरा नहीं याद करें, क्योंकि आप याद तो कर लेते हो लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते। उसका रीजन ये है कि आप फॉर्मूला तो याद कर लेते हो लेकिन उसमें कौन सी वैल्यू किस हिसाब से अप्लाई हो रखी है, ये आप लोग अप्लाई नहीं कर पाते। तो उसके लिए जब भी आप इस वैल्यू को याद करें, ठीक है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप एक चीज ध्यान रखें। देखें, आपने जो चार्ज रखा है ना प्लस क्यू, वो कितने डिस्टेंस पर है, डी डिस्टेंस पर। वो कहां है, यहां पर। अगर मैं कहूं कि ये 2d डिस्टेंस पर होगा तो यहां क्या लिखोगे, 2d। अरे ठीक है, और कोई भी डिस्टेंस जेड पर, जो कि जेड इज ग्रेटर देन जीरो अबव द प्लेन, एनी डिस्टेंस जेड, उस पे अगर आपको स्पीड जो आप निकाल रहे हो वो वी जेड है, मींस जो ये स्पीड आपने निकाली है यहां पे, ये वी जेड, ओके, या आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, मींस जेड पर जो स्पीड है वो यहां है। तो ये जो डिस्टेंस है हर बार डी नहीं रहेगा। अब होता क्या है कि यहां पे प्रॉब्लम आपके पास आई, यहां 2d है, आप फॉर्मूला d वाला लगा दोगे। तो ये वो डिस्टेंस है, पहले आप इन डिस्टेंस को क्लियर करें, ये वो डिस्टेंस है जिस पे पॉइंट चार्ज रखा जाता है, मतलब जहां से वो स्टार्ट करेगा गिरना, अरे ठीक है। और ये वो है जहां आप, जिस पॉइंट पर आप वो स्पीड कैलकुलेट कर रहे हो, अरे क्लियर है। तो जब आप इसको याद करें, आप रिमेंबर करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, है ना, तो उस समय आप इस चीज का ध्यान रखें कि ये जेड क्या है और डी क्या है। ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन ये सब चीजें अगर आप इस फिगर के साथ ध्यान रखोगे तो आप इसको रिलेट कर पाओगे। कोई भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड अगर पूछी जाती है तो बहुत ही आसानी से आप उसे सॉल्व कर पाओगे, क्लियर है। अब हम टाइम निकाल लेते हैं कि इस पॉइंट चार्ज को, इस प्लेन को हिट करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। स्पीड हमने कैलकुलेट की है, तो अब क्या करेंगे, देखें, ये जो यहां पर जो स्पीड है ये z पर है, अरे ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे, देखो, dz/dt, बिकॉज स्पीड इज वेरिंग विद टाइम, अरे क्लियर है ना। तो dz/dt, और ये a कोई कांस्टेंट में लेके रखा हूं, बाद में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो 1/z-1/d, क्लियर है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा a d-z/dz, ये रूट ये हो जाएगा dz/dt, क्लियर है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखें, dt इसको zd लिखते हैं, है ना, कहीं आप यहां कंफ्यूज हो जाओ, dz, इसको zd लिख देते हैं, तो ये होगा dt, और यहां पर ये होगा dz/a
माइनस जेड जेड डी रूट ऑफ दिस। क्लियर है? इसमें देखें ए कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ये है और डी भी कांस्टेंट है जो फिक्स वैल्यू है जहां पर हमने पॉइंट चार्ज रखा है। अरे क्लियर है? तो इसको आप कांस्टेंट ले लें जेड, सो डी बाई ए, और ये बनेगा जेड डी माइनस जेड रूट और डी जेड। ठीक है, और यहां डी टी। अब देखें, अब हम यहां पे इसको इंटीग्रेट करते हैं और लिमिट ले लेते हैं। यहां पर यहां से ये स्टार्ट होता है फॉलो ना, तो यहां पर टाइम जीरो, और मानते हैं कि चले जो ये हिट करने में जो टाइम ले रहा है वो मान लेते हैं कि टी टाइम ले रहा है ना, तो ये टी टाइम। पर उस समय पहले डिस्टेंस कितनी है डी, और जब ये हिट हो जाएगा तो डिस्टेंस कितना है जीरो। क्लियर है? अब आप इसमें क्या करें, पुट जेड इज इक्वल्स टू डी साइन स्क्वायर थीटा, तो dz क्या होगा 2d sin theta cos theta d theta। ओके, ये वैल्यू जब आप यहां रखोगे इस इक्वेशन में, तो ये देखें z की वैल्यू बनेगी d sin square theta, और ये बनेगा dd कॉमन आ जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट है तो ये बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है? और ये बन जाएगा टी इज इक्वल्स टू डी बाई ए, और ये बनेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और डी जेड की वैल्यू है 2d साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, तो कॉस थीटा से यहां कॉस थीटा कैंसिल आउट, और जो लिमिट है वो भी चेंज हो जाएगी। अगर यहां डी है या देखें आप, तो डी से क्या बनेगा ये वन, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है फिर ये प्लस माइनस पाई बाई टू, और जब आप वैल्यू रखोगे जीरो तो ये क्या हो जाएगा जीरो, तो लिमिट क्या हो जाएगी प्लस माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू टू जीरो। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई कर लें, टी इज इक्वल्स टू ये है डी बाय ए रूट, और ये बनेगा टू डी साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर है? और लिमिट है प्लस माइनस पाई बाय टू एंड जीरो। अब आप इसको सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई करें, अरे हो जाएगा सिंप्लीफाई, वन माइनस कॉस टू थीटा बाय टू, और आप वो वैल्यू लें जो इसकी पॉजिटिव देगा, है ना, इसमें आपके पास हो सकता है प्लस माइनस मिले, आप सॉल्व कर लेना, ये पाई डी बाई टू आपको मिलना चाहिए। अब क्योंकि टाइम जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम कांट भी नेगेटिव, तो जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ही लेंगे। अरे क्लियर है? है ना, वही लिमिट आप लोग रखें, आप सॉल्व कर लेना, देख लेना, जो पॉजिटिव पाई डी बाई टू देगा वही आप रखोगे, क्योंकि टाइम जो है नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो यहाँ पे हो जाएगा डी बाई ए रूट ऑफ दिस। अब ए की वैल्यू हमने इसको पहले माना था, ये क्या था, ये देखें डी ए की वैल्यू थी क्यू स्क्वायर एट पाई एप्सिलॉन नॉट एम, आई होप ये ए था। ठीक है ना? क्लियर? देख लेते हैं अभी कैलकुलेट करके, तो और ये यहां पे रहेगा पाई डी बाई टू, तो ये सॉरी ये रूट के अंदर ही है। ठीक है, तो ये बनेगा 8 पाई
एप्सिलॉन नॉट एम डी ओवर क्यू स्क्वायर, ठीक है ए यही था, एंड पाई डी बाय टू। अरे ठीक है, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टी इज इक्वल्स टू ये मिल जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लें आप अंदर, तो ये बनेगा टू पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यूब अपॉन क्यू स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ओके, तो ये जो टाइम है रिक्वायर्ड टाइम है, मींस ये जो पॉइंट चार्ज है ये इस प्लेन को हिट करने में इतना टाइम लेगा। इसको थोड़ा सा उस हिसाब से लिख देते हैं जैसे कि आपके बुक में रहता है और जनरली पूछा जाता है, तो वो रहेगा देखो आप इसको कर लें पाई डी ओवर क्यू, तो आपके पास यहां बचेगा ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी, ये आपके पास रिक्वायर्ड टाइम है। मींस इस पॉइंट चार्ज को जिसका मास, अब देखो इसको भी आप, अब हर बार यही नहीं होगा, जब कभी भी आप इसको ध्यान रख रहे हो तो पहले देख लें कि डिस्टेंस वही दे रखी है क्या। देखो ये वो टाइम है जो पॉइंट, कोई पॉइंट चार्ज प्लस क्यू जिसका मास एम हो, अगर वो मास बदल देता तो ये बदल जाएगा, क्लियर है ना, मास एम हो और डी डिस्टेंस पे रखा हो और डी डिस्टेंस से वो स्टार्ट टू फॉल हो, तो वो इतने टाइम में यहां इस प्लेन को हिट कर जाएगा। अब पता लगा उसने डिस्टेंस कर दी 2d, आप यही ऑप्शन करेक्ट करके आ गए। तो आप जब याद करते हो तो आप पूरा इमेजिनेशन करें कि आपने किस चीज के लिए सॉल्व किया है और उस हिसाब से रिलेट करके आप इसको ध्यान रखें, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट थी जिसके हमने पांच पार्ट, मींस पांच क्वेश्चन को आप लोगों से सॉल्व करवाया, और आई होप कि ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में हमसे पूछ सकते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा लेक्चर 2.4 का पार्ट सेकंड, इसमें हम प्रॉब्लम नंबर सेकंड को डिस्कस करेंगे, साथ ही हम मल्टीपल इमेजेस की प्रॉब्लम्स और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पॉइजॉन्स इक्वेशन और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं इस पर भी डिस्कस करेंगे। ओके?